नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल टेक्निकल सचिन में। और एक पढ़ो लेकर आज और आपके लिए आज के स्टोरी में हम पेटीएम की ओर से आने वाले अपडेट के बारे में जो तो बात कर रहे हैं। पेटीएम की ओर से जो तो पेटीएम वैलेट से जो तो रिलेटेड यहाँ पर जो तो एक अपडेट आया, और ये पेटीएम की ओर से जो तो एक यहाँ पर जो तो बैड न्यूज आपके लिए यहाँ पर जो तो आए आपके लिए यहाँ पर जो तो एक बहुत ही बुरी खबर है। आप अगर से पेटीएम वैलेट से अगर से सेंड मनी अगर से करते पेटीएम वैलेट में जो पैसा होता है उसे जो तो आप जो सेंड मनी करते हो तो उससे रिलेटेड जो तो पेटीएम ने यहाँ पर जो तो एक अपडेट निकाला, और वो अपडेट आपके लिए यहाँ पर जो तो बैड अपडेट है। पेटीएम की ओर से यहाँ पर जो तो एक बुरी खबर आपके लिए यहाँ पर जो तो आ रही है। तो आप अगर से पेटीएम वैलेट यूज करते या फिर आप भी अगर से पेटीएम यूजर है तो आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहिए ताकि आपको क्या अपडेट है ये जो तो पता होना चाहिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, में जो तो आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद नहीं कर दो और वीडियो को सीधा आगे बढ़ा दो। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, और जो साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि जब भी कोई इस तरीके का लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं जाए। तो हम जो तो बढ़ते आगे वीडियो की ओर, मैं आपको बताता हूं क्या अपडेट जो तो पेटीएम की ओर से आया, क्या बैड न्यूज आपके लिए अपडेट तो पेटीएम की ओर से आई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो अपडेट आया ये जो तो पेटीएम वैलेट से रिलेटेड आया है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, तो पेटीएम वैलेट से रिलेटेड ये अपडेट यहाँ पर जो तो आया है कि जो पेटीएम वैलेट का जो पैसा होता है, जो वैलेट में आपका जो मनी होता है, जो वैलेट में आपका पैसा होता है, तो वो जो तो आप पहले जो है तो सेंड मनी करते थे बैंक में, आप जो तो उसे पैसा जो तो ट्रांसफर करते थे, तो वहां पर आपको 4% का चार्ज यहाँ पर जो तो देना पड़ता था। मतलब कि पहले जो तो आप पेटीएम वैलेट के पैसे को अगर से बैंक में अगर से ट्रांसफर करते थे तो वहां पर आपको 1000 रुपये यहाँ पर जो तो 4% का चार्ज यहाँ पर जो देना पड़ता था, उसका टोटल 4% हो जाता 40 रुपए। लेकिन अब जो तो पेटीएम ने उसे बढ़ाकर यहाँ पर जो तो 5% जो तो कर दिया है। मतलब कि आप अब से जो है तो पेटीएम वैलेट से सेंड मनी अगर से करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो तो 5% का यहाँ पर जो तो चार्ज देना पड़ेगा पेटीएम को। अगर से आप इसके बाद में 1000 रुपए से अगर से पेटीएम वैलेट से सेंड मनी करोगे आपके बैंक अकाउंट में तो आपको उसके लिए जो तो 5% का यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा पेटीएम का, जिसका कि अमाउंट होगा 50 रुपए। तो ये जो तो पेटीएम को उसे जो तो 1% का चार्ज पेटीएम ने जो तो बढ़ा दिया है पेटीएम वैलेट से अगर से आप सेंड मनी करते आपके बैंक अकाउंट में। तो ये जो तो पेटीएम की ओर से एक लेटेस्ट अपडेट आया था, ये जो तो आपके लिए यहाँ पर जो तो एक बैड न्यूज है। ये बैड न्यूज उनके लिए है कि जो पेटीएम वैलेट से ज्यादा सेंड मनी करते हैं, फिर पेटीएम वैलेट से आप अपना पेटीएम वैलेट का पैसा बैंक में ट्रांसफर करते, तो उनके लिए यहाँ पर जो एक बैड न्यूज है, बुरी खबर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो तो छोटा सा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज करके लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए ताकि जब भी किस तरीके का वीडियो में बनाओ तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल।